दादा कब आए? हम तो तुम्हें भूल ही गए थे। एकवा, ये तेरी अदा बहुत पुरानी हो गई है कि एहसान करके भूल जाता है। कितने जतन से जेल भिजवाया था और 7 साल हम तेरा जेल में ही जाप किया और छुटते ही तुझे संदेशा भिजवाया। संदेशा? पिछले 5 घंटे से अपना कौन सा गुमशुदा पाप ढूंढ रहा था जो तोरा 5 करोड़ का माल लूट लिया? एकवा, इधर देख, हम ही है तोरे वो पाप। बाप बनने का शौक है दादा तो पैदा करने का दम भी रखो। खुद पैदा नहीं कर पाते तो बच्चा गोद लेना शुरू कर दिया। हमें गोद लेने की कोशिश की तो हम तुम्हारे सीने से तुम्हारे जिस्म का खून चूस लेंगे। हमसे दूर रहो दादा, दूर रहो। हाँ, ये जो चिल्लू भर पानी तुमने हमारे समुंदर से लूटा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे समुंदर को हम खाड़ी बनाऊंगा देखवा। ये चौगले को चचा बनाकर जो तुम शहर का चौधरी बन बैठे हो ना केकवा, तो हम भी 7 साल जेल में रहकर पुलिस वालों के साथ बहुत रिश्तेदारी निकाल ली है और फिर तुम्हारे वो 5 करोड़ किस दिन काम आएंगे? इस 5 करोड़ को खर्च करने के लिए उम्र लंबी होनी चाहिए दादा, जब तुम्हारी नहीं है। आज के बाद अपने इन हाथों की लकीरों को छोटा होते हुए देखना। इसके पास खबर पहुंची कैसे चौगले? जरूर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी होगा जिसने इसे खबर दी थी। सब साले बिका हुए हैं। आप ही ने बिका सिखाया है। लेकिन आपसे ऊंची बोली शहर में कौन आ सकता है केके साहब? दाता की पुलिस से रिश्तेदारी निकल आई हो, ऐसा मुमकिन नहीं। डेविड से दाता की सुपारी उठवा। इससे पहले कि वो 5 करोड़ के पहाड़े गिनना शुरू कर दे, उसकी जिंदगी की गिनती खत्म करता हूं। चौगले साहब, बताओ 10 और 12 के बीच में तुम कहां थे? पुल किसकी सुपारी ली थी तुमने? किसकी मदद से 2 घंटे के लिए जेल से बाहर निकले थे तुम? बोल, कहां थे तू 2 घंटे? नीचे साहब। क्या है? आप ये गलत कर रहे हैं। चौगले साहब के थाने में आकर उनकी जान के बगैर मारा नहीं। अच्छा, मारे से राह दर्द तुम्हें हो रहा है? तुम्हारे चौगले साहब के चक्कर तो मैं भी पता चलाऊंगा। सस्ता चुगल आकर क्या तुम्हें? बोल, 2 घंटे तक तू कहां था? किसकी इजाजत से गया था तू वहां? बोल, अभी बोल, बता जाऊं इंस्पेक्टर, बता जाऊं, बता, जल्दी बता। पुलिस चौकी है ये लॉकअप कोई तुम्हारी जागीर नहीं जो जहां चाहे घुस कर चाहे जैसा सलूक करो। वर्दी तुम्हारी इंस्पेक्टर की है तो उसी हैसियत के दायरे में रहो। लेकिन सर, आप तुम्हारा जगह नहीं। किसकी इजाजत से इस थाने में आकर इस मुजरिम को मार रहे थे? अगर दादागिरी करने की इतनी तलब उठती है तो वर्दी उतार कर किसी नुक्कड़ पे पान की दुकान में टंगे रहो और मोहल्ले में दादागिरी करो। तुम्हारी उम्र के बहुत से बेरोजगार नौजवान यही कर रहे हैं। इस यूनिफॉर्म को पहनकर अगर अपनी मन मर्जी से हाथ पांव चलाए तो वर्दी उतरवा ली जाएगी। सॉरी सर। घास काटना और फूल चुनना एक सा जोड़ नहीं लगता रे। उंगलियां और जुबान भले इसका बहुत ज्यादा चलता है लेकिन हम बिना छुए ही बतला सकता हूं कि इसका कपड़ा का भीतर जो जिस्म है ना,
बहुत नाजुक है। आ गए ना अपनी असलियत पर दाता। अरे अगर मर्द होते हैं। डॉक्टर तो कहा रहे कि हम मर्द हो, वही आजमाने के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। दादा मेरी इज्जत पर अगर, और हमारी इज्जत के साथ जो तू खिलवाड़ किए वो, हम तोरा सारा प्रेम पत्र पढ़ा हूँ जो तू हमारे नाम का अखबार में छापा रही, पूरा शहर के सामने पूरा पब्लिक के सामने हमको नंगा कर दी रही, आज हम भी वही खेल खेलूंगा, सबके सामने तुरा कपड़ा उतार कर तुरा अंदर का इज्जत देखूंगा और सबको दिखाऊंगा। ए हरिया उतारी का साड़ी। नजर में तो एक ही छवि बन सकता है, एक दाता का एक आंखन में तो हम बसा हूं, हम हमारे सिवा और कोई नहीं। अरे चार बरस का रहीन तब से हम इनका पाला हूं, हमारा पालतू है, इनका कान हमारा बोली समझता है, इनका जुबान हमारा तलवार चाटता है, हमारा फोटो छापेगी, आज हम तो का ऐसा छाप दूंगा अपने को ही पर धसी धरिया तुम्हारे कलाइयों तो अगर तुम बंधन को नहीं पहचानते हो तो मैं बताती हूँ तुम्हें इसका मतलब। ये डोरी राखी कहलाती है, और ये कौन किसे बांधता है ये तुम अच्छी तरह जानते होगे। अब तुमसे रिश्ता जोड़ने के बाद मैं खुद उतारती हूँ अपनी साड़ी और जाती हूँ जानवर के पास। लेकिन हरिया यहाँ जिसे बिना कपड़ों के देखा जाएगा वो कोई अपनी लड़की नहीं, तुम्हारी अपनी बहन होगी, अपनी बहन होगी। ये क्या किया तूने? बोल कहां से आया तेरे अंदर इतना हिम्मत? तू उसे वापस साड़ी पहनाएगा मेरी मर्जी के खिलाफ? जाने दे का दाता, जाने दे। ये जो हमारी कलाई पर बांधी है वो कबाद हमरा जी हमका चुपकार रहा है। दादा जितना जी में आए हमका मार हमार बोटी बोटी करते हम कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इका जाने दे दादा। ये तो एक टुकड़ा का दम पर तो का भाई बना ली हरिया, लेकिन हकीकत में भी तोरा सगा बहन होता और हमरा जी ऊपर आ जाता तो तू अपना जी की परवाह करता या हमारा जी का? ए हरिया तेरा गर्दन में इतना लचक कहां से आ गया? ये सर हमारे सामने उठ गया, ये जो तोरा सामने हमारा सर झुका रहता था वो तोरा इज्जत की वजह से, इसे हमारा कमजोरी मत समझता था। कहीं हमारा असली रूप तेरा सामने आ गया तो तेरा सर थोड़ से धरती पर टपक जाएगा, तेरा खाल छील छील कर तेरा असली रूप भी देखूंगा हरिया, और बड़ा तसल्ली से देखूंगा ससुर, पहले तेरा बहन का सत्कार करूंगा और फिर देखता हूं तेरा कौन सा असली रूप हमको रोकता है। ऐसी जगह हाथ मत डाल दादा कि अपने हाथों से हाथ धो बैठो, कभी गांव जाओ तो सब लूला लूला कहे, और अगर कोई ये पूछे कि ये हाथ कौन उखाड़ दिया
तो हमारा नाम लेते हुए शर्मा हो। यहाँ कचरा तोरा कांधे में तो छेद रह जाएगा दादा, और ये समझ ले हरिया का बहन है, बहुत हो गया ये रक्षाबंधन। रेल पोषण हुआ हरिया को पकड़ कर हमारे सामने बांध दो, उनका बांध को पकड़ कर हमारे पास ले आओ। आज हरिया के सामने हम उनका बांध का चीरहरण का कार्यक्रम करूंगा, और उसके बाद संपन्न होगा रक्षाबंधन का त्योहार। मस्त साले को, मस्त साले के टिकुए में गर्दन तोड़ दे साले की। तो सिर्फ दो अक्षर है, ता और ता। ईदा का दबदबा भी हम रहीन और ऊता का ताकत भी हम रहीन। तू हमसे अपना तलवा चटवाया, हम चाहते हैं तरह तरह एक एक सारे पर कुत्ते की तरह नाचा, लेकिन दाता हरिया कुत्ता ना ही। अरे हरिया तो उससे है जो तू पाला। शेर पालने का बहुत शौक है ना दाता, तो तल की जानकारी भी रख कि शेर का सवारी कभी नहीं किया जाता, उसका पंजा और दांत का थार का आजमाइश भी नहीं किया जाता। दादा इस तौल का तेरा हाथ में आ गया तो तू अपने आप को शेर का शिकारी समझ बैठा। अरे हम चाहूंगा दादा तो अभी हम दादा को तौरा जिसम से उखाड़ फेंक कर तेरा खोखला खाल यहां बिछा जाऊं, लेकिन हम ऐसा नहीं करूंगा दादा। चले तो क्यों दादा, क्योंकि आज हम एक रिश्ता कमाया और रिश्ता का खातिर हम तो का जीवन दान देता हूं। लगता है हिमालय के सारे महात्मा नीचे उतर आए, ये अच्छे रूप में कितने अजीब होते हैं। रितु तुम्हारी मोहब्बत का मामला कितना संगीन है, और तुम बिना किसी संगीत जुड़ के विजय को नहीं पा सकती। कैसे? वो सामने बैठ दिख रही तुम उसे वहां से उठा और भाग जाओ। मैं? हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, कम ऑन नाउ, कम ऑन। इंस्पेक्टर साहब ये लड़की दिन दहाड़े लोगों का बटवा या लोगों का बैग लेकर भाग जाती है, आप लोग खड़े खड़े देखते रह जाते हैं, ये फिर आप लोगों के पास आती है कि मैंने जुर्म किया है मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए, और खास करके इसी पुलिस स्टेशन पे आती है। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप लोगों से निवेदन है आप लोग यहाँ से चले जाइए, पर तुम दबाओ जाओ यहाँ से। एक मिनट अच्छा छोटे भाई इसे जुर्म किया है और सदर से मिलनी चाहिए। अच्छा तुम भी? जी इंस्पेक्टर हम तो आपके इलाके की जनता है, हमसे आपकी ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि एक रिपोर्टर दर्ज नहीं कर सकते, और इस लड़की से ऐसी क्या मोहब्बत हो गई जो बिना सजा दिए छोड़े आप। पाटिल साहब अगर इस करप्शन का किसी पत्रकार को पता चला तो इनकी इज्जत उछालेगा, और इनकी इज्जत हमारी इज्जत है ना। हाँ ये तो है, और इन चश्मदीद गवाहों की टोली में कोई एक भी देशभक्त उन तक खबर पहुँचा सका। साहब बात बहुत आगे बढ़ रही है, रिपोर्ट दर्ज कर लो, तुम अपना काम कर चलो। इंस्पेक्टर साहब मेरी आपसे गुजारिश है। बोलिए। इस लड़की को आप जेल में बटवा लीजिए, जेल में मुझे सुधरते कम मगर बनते ज्यादा है, मैं जमानत दे दूंगा। एक मिनट आप यहाँ आइए, आप शक्ल से तो बड़े इमोशनल भी लगते हैं, आप इतना भी नहीं समझ सकते कि लफड़ा चोरी चकारी का नहीं मामला दिल का है, जरा गौर से इनकी शक्ल तो देखिए। ओहो समझ गया,
इंस्पेक्टर साहब आप इस लड़की को जेल में डालिए। मामला काफी संगीन है, अगर आप इस लड़की को जेल में नहीं डालेंगे तो हम कल से बाहर धरना देंगे। तो इंस्पेक्टर साहब बेहतर यही होगा कि आप इसे जेल में डाल दीजिए। चलो बाबा चलो। अरे शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया भाई लोग, अगर मजबूरी रही तो फिर मुलाकात होगी। बाय। हाय क्या पकड़ है, सलाखों के पीछे रहने का बहुत शौक है ना। बिल्कुल, एक घंटा अंदर रहोगे तो पता चल जाएगा। चलो।